दोस्तों गुड आफ्टरनून, मैं श्रीकांत प्रशांत। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रहा था। जैसे कि बहुत बच्चों की उसमें आ रही थी क्वेरीज कि जो हाई कोर्ट में जो मैटर था CCAA मॉडिफिकेशन लिंक ओपन वाला, उसमें AWS वाला इशू मैंने क्यों नहीं रेज किया। तो उसको पहले काउंटर करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या मैंने सोचा और क्यों नहीं किया और किस लिए क्या किया। EWS वाला जो मैटर था, ये हमारा एक बहुत मजबूत पॉइंट है। और हाई कोर्ट में जब इस स्टेज पे मुझे पता चला कि ही इज़ नॉट विलिंग टू अलाउ द मॉडिफिकेशन लिंक, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने करा के अपने ऑर्डर को अपने हिसाब से जैसे फेवर मतलब होना चाहिए था, जैसे आपने खुद से उसको कर दिया है। तीन उसमें दो तीन रिलीफ दिए हमें कि कोई भी वैकेंसीज कन्वर्ट नहीं होगी, दोबारा से एग्ज़ाम होगा अगर वैकेंट रह जाती है, रिप्रेजेंटेशन 4 वीक्स में एज पर लॉ विद ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ उसको डिसाइड करना है रेलवे को, उसमें कोई भी प्रेजुडाइज करके बच्चों के साथ नहीं होगा और फुल कॉन्शियस के साथ उसको भी चैलेंज किया जाएगा अगर फेवर में नहीं रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि जो जिस तरीके के ऑर्डर जो कंटेंशन अवर्ट किए गए हैं जज के द्वारा हमारे फेवर में, जो हमने आर्गुमेंट्स करी कि हम किसी भी डिफ़ॉल्ट साइट पे नहीं थे, हमारी गलती नहीं है, रेलवे ने सीसी का एग्ज़ाम टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में कंडक्ट नहीं करवाया, हमारी गलती नहीं है 3.5 साल में एग्ज़ाम नहीं करवाया, हम कंपेल्ड हैं क्योंकि वैकेंसी ना पास्ट में आई है 3.5 साल में ना फ्यूचर में अपकमिंग की कोई पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे में अगर एक छोटा सा रिलीफ जो कि मॉडिफिकेशन लिंक को अगर दे दिया जाए तो इससे कोई इम्पैक्ट किसी पे भी नहीं पड़ने वाला है, ना प्रोसेस को डिले करेगा, ना दूसरे बच्चों को जो इन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि फॉर्म तो ऑलरेडी वैकेंट पड़े हुए हैं ना, जितने सारे सीट्स हैं उसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है ऑर्डर में, फेवर ऑर्डर है। और 60% जो है मैं बता रहा था, जैसे कि अंकित ने बताया 60% हमारा काम हो चुका है। और रीज़न क्या है कि हाई कोर्ट के जजेस थोड़ा रिक्यूज करते हैं मैटर्स को, दैट इज़ द रीज़न कि एग्जैक्ट प्रेयर्स को हमें ग्रांट नहीं हुई, लेकिन जो कोरोबरेटिव चीज़ है उसके लिए एक विंडो बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अब मैं वही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक अभी तक प्रोसेस हो चुका है तो लास्ट स्टेप भी हमें पीछे नहीं लेना चाहिए और हमें कंटिन्यू करना चाहिए उस मैटर को। तो इसलिए मैंने वीडियो अंकित ने बोला तो मैं बना रहा हूँ, और क्योंकि फाइनेंशियल नीड भी है उन लोगों को, तो आप लोग सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपने इशू के लिए अपने राइट्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही अफेक्टेड हैं, 3.5 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और ना होने वाले हैं, फ्यूचर में अपकमिंग दूसरे एग्ज़ाम्स वैकेंसी भी नहीं क्रिएट होगी, तो आप ही लोग अफेक्ट होंगे अगर इसको आप कंटिन्यू नहीं करते। थैंक यू।